हे गाइस, कसम तेरे प्यार की, इस शो की अगर बात करें तो फिर क्या ही कहना। सीजन फर्स्ट सुपर डुपर हिट गया था। सीजन टू को लेकर बहुत लंबे टाइम से खबरें चल रही हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है। फैंस की तरफ से जो डिमांड चल रही है ना, वो लंबे टाइम से चल रही है। लगातार लोग कह रहे हैं कि इस शो का सीज़न टू आना चाहिए, और उतने ही ज़्यादा इंतज़ार भी कराया जा रहा है इस शो को लेकर। भाई क्या है वजह जो इतना इंतज़ार करना पड़ रहा है। वहीं बात करें अगर एकता कपूर के शो के बारे में, तो वो सबसे पॉपुलर हैं, नंबर वन पर हैं अपने शोज के सीज़न टू लाने में, और ऐसे में ये शो को वो पीछे क्यों रख रही हैं, आखिर क्या है इसके पीछे रीज़न, तो आपको बता दें भाई। वो जो हैं डिफरेंट तरीके से, जब तक उनके मन मुताबिक कुछ कास्टिंग नहीं हो जाती है या पूरी तरीके से स्टोरी नहीं मिल जाती है, उनकी तलाश जारी रहती है। यही वजह है कि एकता कपूर अभी तक कसम सीज़न टू लेकर नहीं आ पाई। लेकिन हाँ, फाइनली अब उनकी तलाश होने वाली है ख़त्म, और आपको सीज़न टू देखने को मिलने वाला है। जहाँ पर अगर बात करें तो उम्मीद करी जा रही है कि एक बार फिर से आपको सीज़न फर्स्ट की स्टारकास्ट देखने को मिल सकती है। स्टारकास्ट की बात करें तो कई सारे नए चेहरे आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो मेन लीड प्ले कर रहे थे कृतिका शेंगर और शरद मल्होत्रा, उनके दोबारा होने के चांसेस काफ़ी हैं। क्लियर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आप जानते होंगे उनका जो रिकॉर्ड रहा है वो सीज़न टू में स्टारकास्ट चेंज कर देती हैं। लेकिन हाँ, सीज़न फर्स्ट अगर सुपर डुपर हिट गया हो और उसके बाद सीज़न टू आ रहा हो, तो शायद चेंज करने से पहले वो भी एक बार ज़रूर सोचे। अगर बात करें बड़े अच्छे लगते शो के सीज़न फर्स्ट में, तो साक्षी तंवर तब में और अब में काफ़ी डिफरेंस हो चुका है। यही वजह है कि सीज़न टू में उनको नई स्टारकास्ट चाहिए थी, और सीज़न टू में वो नई स्टारकास्ट लेकर भी आई। वही बात करें अगर नागिन सीज़न फर्स्ट के बारे में, तो सीज़न फर्स्ट में भी मौनी राय थी और सीज़न टू में भी मौनी राय थी, क्योंकि उस बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। वहीं बात करें अगर कसम के बारे में, तो यहाँ की जो स्टारकास्ट रही है वो सीज़न फर्स्ट में भी वैसे ही दिखती थी, और आज के टाइम पर भी वैसे ही दिखते हैं शरद और कृतिका। सो इन दोनों को दोबारा लेकर आना फ़ायदे का सौदा ही रहेगा, यानी कि टीआरपी बहुत अच्छी आने वाली है अगर ऋषि और तनुजा एक बार फिर से नज़र आते हैं तो। क्या कुछ कहना आपका, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो फिर लाइक शेयर करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।